हेलो फ्रेंड्स, मु दीप्ति। वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड आर्ट विद दीप्ति। पृथ्वी जेउंठारे आमे समस्त जीवजगत बास करुछे, सौरजगतर एहा एकमात्र अद्वितीय ग्रह। से ही पृथ्वी ओ एहा अवस्थान करुथिबा सौरजगतर सृष्टि किपरि हेला, आज आमे ए वीडियो रे डिटेल्स ले जानिबा। सेथिपाई आपण माने वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु, जमा भी वीडियो को स्किप करंतु नाही। वीडियो शेषे आपण माने जानी पारिबे कि आम पृथ्वी और यही पृथ्वी अवस्थान करथिबा सौरजगतर सृष्टि किपरि होइथिला। चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। जर्मन फिलोसोफर इमानुअल कांट 1758 रे एक बही यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थियोरी ऑफ हेवन रे पृथ्वी किपरि सृष्टि हेला वर्णना करथिले। पियर ल्याप्ले 1796 एही बही रे किछि चेंजेस आनिथिले। तांकर एही बही आज यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होइछि। एही बही रे से सोलार नेब्युलार डिस्क मॉडल SNDM माध्यम रे किपरि आम सौरजगत ओ पृथ्वी सृष्टि हेला ताहा वर्णना करिछन्ति। आजिठारो प्राय 6 बिलियन वर्ष पूर्वे महाकाशर जेउंठारे आम सौरजगत अछि सेठारे केवल धूलिकणा द्वारा गठित बादल थिला। आज आम एही धूलिकणा बादल को नेब्युला कहुछे। एही नेब्युला कौनसी स्टार बा ब्लाक होल रो ब्लास्ट रु सृष्टि हुवंती। जेपरी एही नेब्युला रे धूलिकणार परिमाण बढ़ी बढ़ी चलिला, एहार ग्राविटी मध्यम बढ़ी बढ़ी चलिला और नेब्युला स्पेरिकल शेप रे आसीगला। अर्थात एही नेब्युला वृत्ताकार गति रे घूरिबाकू लागिला। आमे साइंस रे पढ़ीचे स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर रो स्क्वायर। अर्थात एथिरु आमे जानुछे कि ग्राविटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अर्थात माध्याकर्षण और वस्तुत्व तो परस्पर सह समानुपाती अटंती। एहार अर्थ जदि गोटे वस्तुर वस्तुत्व बा मास बढ़े तेबे एहार ग्राविटी बा माध्याकर्षण शक्ति मध्य वृद्धि पाइब। एही समय रे नेब्युला पाखरे थिबा एक स्टार रो ब्लास्ट रु नेब्युला रे धूलिकणार परिमाण बढ़ीबा द्वारा नेब्युलार वस्तुत्व मध्य बढ़ी पड़ी चलिला। वस्तुत्व द्वारा ग्राविटी मध्य बढ़ी पड़ी चलिला। नेब्युला पाखरे थिबा स्टार रो ब्लास्ट द्वारा एहा सुपरनोवा रे परिणत हेला। ब्लास्ट द्वारा निर्गत शॉक वेव रे एते स्ट्रांग थिला कि एसे आम नेब्युलार सेंटर ऑफ ग्राविटी को कोलैप्स कर देला ओ पूरा सिस्टम को एंगुलर मोमेंटम बा घूर्णन गति दे देला, जहा द्वारा ए पर्यंत जेउ डस्ट क्लाउड बा धूलिकणा बादल वृत्ताकार गति रे गति करूथिला ताहा फ्लैट डिस्क क्लाउड होई गला, जेउथिरे कौनसी सेंटर ऑफ ग्राविटी नथिला। फळरे नेब्युलार समस्त मैटर बा पदार्थ पूरा डिस्क रे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होइगला। एही धूलिकणा गुड़िक परस्पर सह जोड़ी होई चलिले। जेउं जेउं ठारे अधिक धूलिकणा एकाठी हेला सेठारे वस्तुत्व मध्य बढ़ला। वस्तुत्व बढ़िबा सह ग्राविटी मध्य वृद्धि पाइला, कारण आमे पढ़ीचे मास और ग्राविटी परस्पर सह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेब्युलार डिस्क रो सर्क्युमफेरेंस बा परिधि संकुचित हेला। छोट परिधि फळरे एंगुलर मोमेंटम बढ़ी बढ़ी चलिला, फळरे एही मैटर रो गति आहुरी बढ़ी चलिला वृत्ताकार रे। एणु एही डस्ट क्लाउड डिस्क रो मैटर अधिक बेगरे वृत्ताकार रे गति करबाकु लागिले एक साइक्लोन परी। एहार सेंटर रे वर्टेक्स बढ़िला और एहा अत्यधिक मैटर केन्द्र आड़क गति करबाकु लागिले और केन्द्र ठारे एही मैटर माने एकाठी हेले। सेंटर रे मैटर मानक संख्या एते बढ़ी गला जे सेंटर रो प्रेशर बा चाप बढ़ी गला। लुसाकस को नियम अनुसार प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अर्थात चाप और तापमात्रा परस्पर सह समानुपाती अटंती। माने चाप बढ़िले तापमात्रा मध्य बढ़िबो, तेणु केन्द्र रे प्रेशर सह टेम्परेचर बा तापमात्रा मध्य बढ़ी बढ़ी चलिबे। हाई टेम्परेचर ओ प्रेशर मैटर बा पदार्थ उपरे पड़े सेबे मैटर परस्पर सह रिएक्ट करंती।
तेणु जब हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल परस्पर संस्पर्शे आसिले सेठारे न्यूक्लियर फ्यूजन घटी हीलियम मॉलिक्यूल सृष्टि हेला जहाँकि सूर्य मध्य होइथाय। एही न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा एक बेबी सन सृष्टि हेला जहाँकु प्रोटोस्टार कहगला एवं से ही डस्ट पार्टिकल गैसेस और सॉलिड ऑब्जेक्टर डिस्क क्लाउड को कहगला प्रोटो प्लानेटरी डिस्क। एठारे प्रोटोस्टार रा चारिपाखरे एही डस्ट पार्टिकल गैसेस और सॉलिड पार्टिकल्स घूर्णन करुथिले। एही प्रोटो प्लानेट्स रे केवल मेटल्स और सिलिकेट ही एपरी सब्सटेंस थिले जहार बॉइलिंग पॉइंट अधिक थिला। एमाने बेबी सन बा प्रोटोस्टार रा आखपाखरे रहिबाको लागिले। एमानंकु अंतःग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल कहगला और जो सब्सटेंस बॉइलिंग पॉइंट कम थिला ताहा बहिग्रह बृहस्पति शनि यूरेन्स नेपच्यून रूप नेले। एबे एही क्लाउड डिस्क रे समस्त सब्सटेंस बंटन हो सारीथिला किंतु किछि सब्सटेंस जे माने एमानक सह मिसि नथिले से माने आज भी उल्का पिंड परि आम सौर जगत रे घूर्णन करछंती। आम अंतःग्रह माननकु मेटल्स और सिलिकेट माने ही मिसि सृष्टि करछंती। प्रोटोस्टार रा सृष्टि परे धूलिकणा और पत्थरखंड परस्पर सह मिसि पांचोटी अंतःग्रह को सृष्टि कला जहाँ बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और थिया नाम रे थिले। आपण मानक मन रे क्वेश्चन आसतिबो आम अंतःग्रह रे त थिया ग्रह बोली कोनसी ग्रह नाही किंतु सौरजगत सृष्टि रा आरंभ रे थिया नामक एक ग्रह थिला। थिया ग्रह मंगल ग्रह ठारु चारि गुणा रे बड थिला जहाँ कि कोनसी कारण बसतः छोट पृथ्वी सह कोलाइड कला। एहा द्वारा थियार किछि पार्ट ओ छोट पृथ्वीर किछि अंश सह मिसि आजिर पृथ्वी सृष्टि हेला। एही कोलिजन द्वारा थियार एक छोट अंश बाहर को उड़ी जाय आज आम चंद्रर रूप नेला जहाँ पृथ्वी चारिपाखे घूर्णन करबाको लागिला। एही ब्लास्ट द्वारा आम पृथ्वी पूर्व तुलना रे अत्यधिक बड़ होइगला। एथिरो आपण माने अनुमान करिपारथिबे कि आमे जेउ पृथ्वी उपरे अछे ताहा सौरजगतर आरंभ रे एते विशाल नथिला। थिया ग्रह ओ पृथ्वीर कोलिजन द्वारा ही थियार किछि अंश ओ पृथ्वीर किछि अंश मिसि आजिर पृथ्वी सृष्टि होइछि। पृथ्वीर आकार एते बड़ हेबा द्वारा एहार ग्राविटी बा माध्यकर्षण बल मध्य अत्यधिक हेबाकु लागिला। एहा ता निज चारिपाखरे थिबा उल्का पिंडंकु आकर्षण करबाकु लागिला। सेबे पृथ्वी चारिपाखे आज पर वायुमंडल नथिला जहाँकि पृथ्वी को से ही उल्का वर्षा रक्षा करता। पृथ्वी रे एही परी हजार वर्ष धरी उल्का वर्षा होगाक लगला। एही उल्का वर्षा पृथ्वी को मल्टन प्लानेट रे परिणत करदेला कारण उल्का वर्षा द्वारा घर्षण जनित तापशक्ति उत्पन्न होता जहाँकि पृथ्वीर माटी को तरल लाभारे परिणत करदेला। एबे पृथ्वी पूरा तरल ग्रह हो सारी द्वारा अलग अलग स्फुटनांकर कणिका माने अलग अलग स्तर सृष्टि करने को लगिले जहाँ कारण आज पृथ्वीर आभ्यंतर रे विभिन्न स्तर देखा मिले। सेगुड़िक अंतःकोर बहिकोर मांटल और भूतोक। एही प्रक्रियार उत्पन्न गैस भूतोकर ऊपर को उठी पृथ्वी चारिपाखे वायुमंडल सृष्टि कले किंतु एबे मध्य पृथ्वी रे जीवन सृष्टि हेबा उपयोगी स्थान नथिला। एही परे किछि वर्ष परे जेबे महाकाश रे उल्का पिंडर संख्या कमी गला ओ उल्का वर्षा बंद हेला एवं पृथ्वीर तापमात्रा धीरे धीरे कम हेला सेबे पृथ्वी रे जीवन सृष्टि हेबार एक सुयोग आसिला। वायुमंडल रे एबे जल जलीय बाष्प आकार रे थिले जेबे पृथ्वी पूरा पूरी ठंडा हेला सेबे जलीय बाष्प ठंडा होई वर्षा रे परिणत हेला ओ पृथ्वी रे वर्षा हेबाकु लागिला। एहा परे प्रथमे पृथ्वी रे आलोकश्लेषण करिपारथिबा एक कोशी बैक्टीरिया जन्म नेले ओ एही बैक्टीरिया आलोकश्लेषण प्रक्रिया रे वायुमंडल को अम्लजान त्याग करबाकु लागिले। फळरे वायु रे विषाक्त गैस रा मात्रा कमी गला ओ अम्लजान रा मात्रा वृद्धि पाइबाकु। अम्लजान वृद्धि कारण रु केतेक बैक्टीरिया रा संख्या लुप्त हेला ओ जेतेकी बैक्टीरिया जीवित रहिले
सही बैक्टीरिया कोष प्रोकैरियोटिक कोष और यूकैरियोटिक कोष को रूपांतरित हेले जेउं कोष गुडीकर प्राणी कोष उद्भिद कोष सृष्टि हेले ओ जेउं थिरो आज समस्त उद्भिद जगत और समस्त प्राणी जगत सृष्टि होई पारिछि। ए थिला आम पृथ्वी और आम सौरजगत सृष्टि हेबार संपूर्ण कहानी। आशा करूछि आपण मानको भिडियोटी भल लगी। जदि भल लगी भिडियो को लाइक करेंगे। आग को मतिका नुआ नुआ पेनसिल ड्रॉइंग पेंटिंग मोटिवेशनल स्टोरी पॉडकास्ट एजुकेशनल टॉपिक उपर ये भिडियो देखापी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एहा व्यतीत जदि आपण माने पृथ्वी रे किपरि जीवन सृष्टि हेला ओ किपरि समस्त उद्भिद समस्त प्राणी एवं आमे मनुष्य माने सृष्टि हेले से उपरे डिटेल्स ले जानबा पई चाहंती तबे मते कमेंट सेक्शन ने कमेंट करिवे किपरि भावे एककोशी जीवरु आज बहुकोशी जीव समस्त प्राणी ओ आमे मनुष्य माने सृष्टि होइछे से उपरे डिटेल वीडियो आनिबि। आशा करूछि आजर वीडियो टी भल लागिथिबो। थैंक्स फॉर वाचिंग। स्टे कंटिन्यू विथ स्टडी एंड आर्ट विथ दीप्ति।